Kata two point charge A and B having charge plus Q respectively are placed at certain distance apart. अब देखो हम लोग पास दो चार्ज है, चलो एक ले लेते हैं, एक हमने प्लस कैपिटल Q ले लिया और एक दूसरा हमने माइनस कैपिटल Q ले लिया, बात बराबर है। ये कुछ r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो इनमें फोर्स कैलकुलेट अट्रैक्शन हो रहा है, तो के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये तो लिख ही सकता हूँ। लेकिन दूसरे सिचुएशन में मैंने 25% चार्ज निकाला, कहाँ से? ए से। ए कौन सा था? प्लस वाला। ए और बी से, हालांकि फोर्स इस बात से डिपेंड नहीं करता है कि आप ए से निकालते हो कि बी से निकालते हो, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम ना, तो यहाँ से 25% हमने निकाला और 25% निकाला तो किस में रख दिया, ले जाके बी में, मतलब इसके पास कितना बचा 75% और इसके पास कुछ बढ़ गया होगा घट गया होगा डिपेंडिंग अपॉन इसके साइन बताएगा। चलो तो ट्रांसफर टू बी द फोर्स बिटवीन देम, नया फोर्स कितना होगा? तो नया फोर्स तभी पता चलेगा जब हमें नया चार्ज पता चलेगा। तो नया चार्ज कितना होगा, चलो इस पे मान लेता हूं मैं क्यू स्मॉल ए। अब इस पे जो एक्चुअल चार्ज कितना था बोलो, प्लस क्यू, इसमें से मैंने 25% निकाल दिया, माइनस 25% ऑफ क्यू, इसी का 25% निकाल दिया, मतलब Q माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 100, तो यह आ जाएगा 3Q/4। दिस इज द न्यू चार्ज ऑन A, A पर नया चार्ज ये आ गया मुझे। अब जो B है उसको उस पर कितना चार्ज हुआ, उस पर नया चार्ज मैं स्मॉल क्यू भी मान लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले कितना था वो माइनस क्यू, अब इसमें कितना आ गया 25% ऑफ कैपिटल क्यू एड हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ माइनस क्यू तो पहले था, प्लस 25% ये निकाले हैं, 25% ऑफ कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा 25% ऑफ कैपिटल क्यू अपॉन 100, मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू बाई 4, मतलब यह आ जाएगा माइनस 3Q/4। तो इस पर भी चार्ज हमने इतना नया चार्ज, ये नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जब आप इससे 25% निकाल के इसको दोगे। अब फाइनली फोर्स निकालना बहुत ही आसान है, एक्चुअल फोर्स पहले कितना था, एफ था, तो न्यू फोर्स कितना आ जाएगा के, अब इन दोनों का स्क्वायर, 3Q/4 का मैं स्क्वायर कर दूं और मैं डिवाइड कर दूं आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर तो वही रहा, डिस्टेंस तो बदला ही नहीं मेरे भाई, तो यह आ जाएगा 9/16 के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, और के कैपिटल क्यू आर स्क्वायर क्या है मेरे भाई, वो एक्चुअल फोर्स है, तो 9F/10 दैट इज द न्यू फोर्स एफ डैश, दिस इज द न्यू फोर्स एफ डैश 9F डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 16, तो 9F/16 दैट इज फर्स्ट ऑप्शन सही है, बराबर है। चलो तो इस